बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुसलसल पांचवी शिकस्त, क्या आप भी कराच किंग के पास मौका है और बाबर आजम के पास मौका है, जबकि बाबर आजम ने टूर्नामेंट में सबसे मुश्किल तरीन कैच पकड़कर दुनिया के क्रिकेट को हैरान किया। इसके अलावा बाबर आजम के फैन के लिए अहम खबर बताने लगा हूँ। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बाबर आजम पीएसएल में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले फील्डर बन गए हैं। कराची किंग कप्तान अब तक पीएसएल में 35 कैचेस पकड़ चुके हैं। कराची किंग कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले नॉन विकेट कीपिंग फील्डर बन गए हैं। इतवार के रोज बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में 3 कैचेस पकड़े और पीएसएल में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले नॉन विकेट कीपिंग फील्डर होने का एजाज अपने नाम किया। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने गुज़िश्ता कल इंतहाई शानदार कैचेस पकड़े हैं और उन्हें इंतहाई नाकाबिल यकीन कैचेस पकड़े हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने शादाब खान का मुश्किल तरीन कैच पकड़ा। इसके अलावा आसिफ अली का उन्होंने इंतहाई मुश्किल तरीन कैच पकड़ा, जिसे सोशल मीडिया सारिफीन खूब पसंद कर रहे हैं। पीएसएल में बाबर आजम के मजबूती नॉन विकेट कीपिंग कैचेस की तादाद 35 हो गई है। उन्होंने क्वेटा ग्लेडिएटर के मोहम्मद नवाज को पीछे छोड़ा, जिन्होंने मजबूती तौर पर 33 कैचेस पकड़े हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता कल कराची किंग को मुसलसल पांचवी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस दौरान बाबर आजम को पहली बार रोते हुए मतलब कि अबदीदा देखा गया और वो काफी इमोशनल हो गए थे। ताहम शायकीन क्रिकेटर अब भी कह रहे हैं कि क्या कराची किंग के पास मौका है। जी हाँ दोस्तों, कराची किंग के पास अब भी आखिरी मौका है। ताहम ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कराची किंग ने आने वाले अपने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली तो फिर कराची किंग अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ताहम ये बहुत मुश्किल है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें।